सुबह 9 बजे गुड़गांव में इतनी जल्दी खुल जाते हैं। वह उठ उठ सुनता क्यों नहीं? ये देखो अब इसकी नींद खुली है, आगे देखो क्या होता है। ये देख लो। गुड मॉर्निंग। सुबह 9:30 बजे आते हैं, थोड़ा हक के आते हैं, भूखते जा रही है। आओगे हगने हमारे साथ? आ जाओ हगने। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे यार मेरे कंजर जैसा लग रहा हूँ, बाल ठीक हो जाओ। या हेयर बैंड। सो हेलो एंड वेलकम बैक आवर चैनल टू वी ब्लॉग्स। तो गाइज आज मेरे ब्लॉग रेगुलर ब्लॉग का दूसरा दिन है और आज मैं दिखाने वाला हूँ कि घर में क्या क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है और कहाँ तक हो गया और क्या क्या होगा, ठीक है। अपने सुबह से उठने के टाइम से लेके क्या क्या मैं कर रहा हूँ, क्या क्या सुबह से उठते सर मुझे काम दे दिया जा रहा, सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। चलिए ये हो गया, तराई करनी है। यहाँ से भी ये हो गया सारा, ये ऊपर तक ये नहीं होगा क्योंकि ये जब दूसरे मंजिल बनेगा तो इसे तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, तो इसे ऐसे रहने देंगे। और यहाँ से सीढ़ी ऊपर से भी ये कर दिया गया, अभी सीढ़ी पे भी करना बाकी है, मतलब लगभग अभी काम बहुत बचा हुआ है। ये काम होने करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था और यहाँ मिस्त्री लेबर सब करते हैं, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये मतलब ये वाला दीवार से दूर करना है। हाँ। दीवार से दूर करके बीच में कर दो, बीच में कर देना टाके। अरे यार सारा काम मुझे करना पड़ेगा, ये सारा करवाना है आज। आज ये सारा होगा क्या? सुबह 11 बजे उठ चल रहा हूँ। अरे मम्मी बोलिए बोलिए बोलिए, खाली पेट काम करा रहे हैं, मजदूर बना दिया साल। हमारा सोने का गेट लगने वाला है। क्या बोला तूने? हमारा सोने का गेट लगने वाला है। इन लोगों ने इतना काम करवाते हैं गांव में लाके, सारा लेबर मजदूर बना देते हैं। दोपहर 12:30 बजे बहुत बहुत काम कर ले, थक जाए तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। दोपहर 1:15 बजे मजदूर आदमी काम कर रहे हैं, मजदूर लगा रखे हमने, मजदूर काम पे लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने मजदूर लगे हुए हैं जो हमारी घर की चुनाई कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक खत्म करते हैं और चलो देखते हैं और कुछ कर देते हैं। यहाँ पर मसाला बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और सारी सामग्री इकट्ठा की जा रही है फटाफट। दोपहर 3:30 बजे लग गया भूख, पेट में छुए दौड़ रहे हैं।
तो यहाँ पर हम भाई बहन दोनों निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में, और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। तो पहले हम पहुँचे हैं कील वगैरह ये सब हार्डवेयर की दुकान पे, तो कील और तार वगैरह लेना है तो लेते हैं, और देखते हैं कितने रुपये प्राइस पड़ता है, और एटीएम भी जाना है जिस काम के लिए हम गए थे वो काम करके आके फाइनली। और आज इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं एटीएम में गया और एटीएम का पासवर्ड भी भूल गया था और एटीएम एक्सपायर हो गया था, पूरा सुबह पैसा निकाल नहीं पाया। अब क्या होगा देखते हैं। दब गया कुत्ता ना घर का ना घाट का। अपन का रात का खाने का टाइम हो चुका है, हम ठूसेगा अभी, खाएगा सारा भर भर के, जितना काम किया सब खाएगा, पूरा पूरा खत्म कर देगा। क्या खा रहा है मैं जरूर दिखाएगा। रुको रुको अभी दिखाता है। दूध, दूध के साथ चपाती, चपाती के साथ मैंगी, मैगी के साथ मैंगो, तो सब खाएगा। जिसको खाना है वो हमें नहीं बताएगा। चाय भी। चल चल बाय बाय।